नमस्कार, राम राम। आप देख रहे गुरुग्राम प्लस, मैं आपके साथ सोनी तहलान। जैसा कि आपको पता ही है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर हर महीने गुरुग्राम की कष्ट निवारण समिति की बैठक लेते हैं। इस बार भी सीएम मनोहर लाल ने कमेटी की बैठक ली। उस कमेटी में 12 समस्याओं पर जो है चर्चा की गई। बैठक के दौरान उन 12 समस्याओं में 5 समस्याएं पुरानी थी और 7 समस्याएं नई थी। हम आपको बताएंगे कि बैठक के दौरान क्या कुछ हुआ। उससे पहले जान लेते हैं कि जो 7 नई समस्याएं थी वो क्या थी। तो चलिए देखिए सीएम मनोहर लाल की जुबानी ही कि वो 7 नई समस्याएं क्या थी। एक समस्या थी कि जो केएमपी के ऊपर, ये तो पिछले बार की थी, हॉट मिक्स प्लांट वाली अवैध जो चल रहा था, जिसके खिलाफ एफआईआर लिखी गई थी, उसके ऊपर 40 लाख रुपया जुर्माना भी किया गया है। और अभी दोबारा से पुलिस अधिकारियों को कहा गया कि उसका ठीक से पालन कराएं और वो समस्या जो है वो ना आए दोबारा से। HSIDC की जो 5 गांव की जमीन ये एक्वायर की गई थी, उनमें जो किसान थे उनको प्लॉट्स देने का जो विषय है वो कुछ डिपार्टमेंट का यानी बोर्ड की स्वीकृति के लिए यहाँ से प्रपोजल बना के भेज दिया है, ताकि जो जो उसमें हकदार हैं उनको प्लॉट्स मिल सके। और नौकरी की भी जिनको देने की बात उसमें होती है, नौकरी भी उनको मिलेगी, क्योंकि वो पहले रिलायंस के लिए खरीदी गई थी, बाद में रिलायंस ने उसको वापस कर दिया था SEZ को। उसके बाद वो HSIDC के पास आई, तो HSIDC जो भी पॉलिसी के हिसाब से जिनको बेनिफिट है उनको दिया जाएगा। 1 एकड़ से कम की रजिस्ट्री के ऊपर हमने पिछले दिनों में जो कॉलोनी वाला एरिया था, शहर के अंदर का एरिया, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, ताकि छोटे छोटे प्लॉट काट करके जो कॉलोनाइजेशन के विषय होते थे उसमें उस पर रोक लग सके। बड़ी मात्रा में रोक लगी भी है, फिर भी 1 एकड़ से नीचे के जो वास्तव में एग्रीकल्चर के प्लॉट हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी 1 एकड़ से नीचे की मलकियत है, उसकी शिकायत थी, तो उसका प्रबंधन प्रदेश स्तर पर हम करेंगे कि अगर कोई एक वास्तव में एग्रीकल्चर की लैंड है तो उसको रजिस्ट्री का प्रावधान ये किया जा सके, और उस पर जो कलेक्टरेट है वो भी एग्रीकल्चर लैंड के ही लगेंगे। एक ये विवाद जो है इसलिए सामने आया है, इसको हम दराज किया है। सेक्टर 39 और झाड़सा गांव, इसके बीच में एक सड़क है, जिस सड़क को HSVP के जो सेक्टर के लोग हैं वो उसको बंद करना चाहते हैं, लेकिन गांव के लोग उसको थॉरोफेयर करना चाहते हैं। वास्तव में जो थॉरोफेयर होता है, 2 सड़कें उधर से HSVP की, इधर से रेवेन्यू रास्ता जब मिलता है तो उसको बंद करने का प्रावधान नहीं है, वो खुला ही रहेगा। हाँ, सिक्योरिटी के नाते से पुलिस से जांच करा करके यदि सिक्योरिटी की कोई दिक्कत है तो वहाँ गेट लगा करके रात्रि को बंद करने का प्रावधान किया जा सकता है। डेवलपमेंट चार्ज के नाते से किसी भी एक रेजिडेंशियल प्लॉट पर 1 बार डेवलपमेंट चार्ज लगता है। कभी बहुत पुराने जो एरियाज हैं जहाँ डेवलपमेंट चार्ज लोगों ने दिया हुआ है, जिसका रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का नहीं होता, तो वो रसीद जमा कराने के बाद, रसीद दिखाने के बाद दोबारा से किसी से भी डेवलपमेंट चार्ज नहीं लिया जाएगा। केवल 1 बार 1 प्लॉट पर डेवलपमेंट चार्ज होता है, वही लिया जाएगा। पहले दे दिया है तो आगे नहीं लगेगा। प्लॉट की पार्टीशन की एक पॉलिसी हम बना रहे हैं। अभी तक प्लॉट का डिवीजन, पार्टीशन, ये अलाउड नहीं है कई जगह पर, कहीं कहीं अलाउड है, लेकिन पूरे प्रदेश में एक जैसी पॉलिसी बना करके और प्लॉट के डिवीजन की पॉलिसी ये बनाएंगे, ताकि किसी परिवार को आगे एक के बजाय 2 या 3 या 4 प्लॉट उसके करने हैं तो उसका एक मिनिमम साइज़ निश्चित होगा। इस मिनिमम साइज़ से नीचे का प्लॉट नहीं होना चाहिए, उस साइज़ से कम जो वर्थ लिवेबल हो इतना साइज़ ज़रूर उसका वो करेंगे। उसकी एक शिकायत ये पिछली बार भी आई थी, 48 एकड़ में वो जो टावर बने हुए, टाउनशिप बनी हुई है, वहाँ पर कॉलोनी यानी डेवलपर और वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनमें झगड़े हैं। RWS हर एक टावर के अलग अलग बना करके हमने पुलिस को कहा कि हर एक टावर की समस्या को लेकर के जिसका दोष है उसके खिलाफ FIR करें, क्योंकि समस्याएं अलग अलग हैं सबकी, तो इसलिए इकट्ठे एक साथ उनकी समस्याओं का हल नहीं हो सकता। किसी का डेवलपर के साथ झगड़ा है, किसी का बिजली विभाग के साथ है, कहीं आपस में झगड़े हैं, तो हर एक को अलग अलग से हमारे CP साहब को इसका अरेंजमेंट बनाएंगे। बैठक के दौरान एक दृश्य ऐसा भी देखने को मिला जिसमें एक शिकायतकर्ता को खदेड़ कर बाहर ले जाया जा रहा था। सीएम मनोहर लाल से पूछा गया कि वो व्यक्ति कौन था और उसको इस तरह से क्यों खदेड़ कर ले जा रहा था, तो इस पर सीएम की क्या प्रतिक्रिया थी ये भी देखिए, और उस व्यक्ति को किस तरह से ले जाया गया वो भी देखिए तस्वीरों में। वो चाहते हैं कि अभी फैसला कर दिया जाए,
कि मेरे जो प्लॉट हैं, मुझे नौकरी है, वो जो नहीं मिल रही है तो वो मुझे मिलनी चाहिए। तो हमने कहा जो पॉलिसी है, पॉलिसी के हिसाब से बोर्ड में जाएगा, तुम्हारा जो अधिकार है वो अधिकार के हिसाब से मिलेगा, जिसका अधिकार है उसको मिलेगा। कई तरह की कॉम्प्लिकेशन होती हैं, ज़मीन कितनी है और वो पॉलिसी किस सन की है, चूँकि पहले वो जब ली गई थी तो रिलायंस ने वो ज़मीन ली थी, रिलायंस के लोगों ने कुछ नौकरियाँ दी थी, कुछ लोगों को ऑप्शन दिया गया था कि आप लोग नौकरी रखना चाहते हैं नौकरी रखें, नहीं तो 2.5 लाख रुपया आप ले सकते हैं। कुछ लोगों ने 2.5 लाख ले लिया, बाद में इलाज चाहिए 2.5 लाख के बाद नौकरी मिलनी चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि सीएम मनोहर लाल के द्वारा दी गई आज की ये सूचनाएं गुरुग्राम की जनता के लिए ज़रूरी हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और गुरुग्राम की जनता तक ज़रूर पहुंचाइए। और ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए गुरुग्राम प्लस के साथ। और ज़रूरी, सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। और जुड़े रहिए गुरुग्राम प्लस के साथ। मैं आपके साथ सोनी तहला, नमस्कार, धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और WhatsApp भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।